लघु उद्योग भारती ने भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ एक विशेष बैठक की और नए कानून को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा थे। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र लघु उद्योग भारती ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा व प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर शैलेंद्र ने उद्योगपति से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर अग्निशमन के CFO अभिनव त्यागी तथा औद्योगिक क्षेत्र से आए उद्योगपतियों ने अपनी बात सबके सामने रखी। कार्यक्रम में आए उप श्रम आयुक्त हरिद्वार उमेश कुमार ने उद्यमियों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं जिनको जल्द ही अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कंपनी का कोई वर्कर घर से कंपनी आ रहा है या कंपनी से घर जा रहा है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके मुआवजे की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, ना कि कॉन्ट्रैक्टर की। अग्निशमन के CFO अभिनव त्यागी ने कंपनी में फायर से होने वाले नुकसान से बचाव की जानकारी दी तथा एक टास्क फोर्स का गठन किया जो कि कंपनी में घटी किसी भी अप्रिय घटना पर रोक लगाने के काम आएगी। जो भारतीय जो संस्था है पहले से भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आज भी उसी के क्रम में एक नई शुरुआत हुई है हरिद्वार में। हम जानते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज और उद्योगीकरण बढ़ रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि नए नए उद्योगों को यहाँ पे लाया जाए और ताकि हमारे लोगों को एक रोजगार मिले। तो उसी से संबंधित ये एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है कि हम देखते हैं कि जैसे कहीं कोई फायर हो जाती है तो उस समय हमें लोग नहीं मिलते, फायर फाइटर्स और हमें हमारी गाड़ी कितनी भी नज़दीक हो फिर भी 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का समय लगता है। तो इनिशियली किसी भी एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए कि वो तुरंत फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद रहे, ऐसी टीम बनाई गई है जिसमें 15-20 लोगों को रखा गया है जो फिजिकली फिट है, उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जो एक्सीडेंट हो कोई मौके पर अच्छे से अच्छा उसका रिस्पॉन्स करें और नुकसान फैक्ट्री का कम से कम हो। लघु उद्योग भारती हरिद्वार का प्रोग्राम था, इसमें मेनली जो फोकस रहा है वो फायर फाइटिंग पर रहा है। यहाँ पर हमने एक टास्क फोर्स गठित की है जिसका भी एक छोटा प्रारूप अपने हरिद्वार से शुरू किया है। उसमें क्या है कि भाई आग लग जाती है, फायर जो हमारे पास तक पहुँचती है, इतने हमारे पास सहायता पहुँचती है, इतना फायर काफ़ी फैल चुकी होती है, उसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया है जो जब तक वो पहुँचे तब तक वो आग को ज़्यादा ना फैले। इसके साथ साथ हमारे पास जो डिप्टी लेवल कमिश्नर हैं वो आए थे, उन्होंने अभी नए कुछ प्रावधान आ रहे हैं, पुराने कुछ कानून समाप्त किए गए हैं, कुछ नए बने हैं, उससे उन्होंने जानकारी किसी के इसी को पूरा विस्तृत रूप से सब उद्यमियों को समझाया। इसमें हमने सभी अपने जो सदस्य हैं उनको लेके 30 से 40 आदमियों की एक हमने टास्क फोर्स बनाई है जो फायर डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। CFO साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये हमारी उस टीम को ट्रेन करेंगे और जो भी आधुनिक जो हमारी सुविधाएं हैं या आधुनिक जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उन सब से अवगत कराएंगे जो कि उद्योगों के लिए हमारे लिए प्रभावी साबित होगा। उसके साथ साथ ही आज के कार्यक्रम में डिप्टी लेबर कमिश्नर श्री उमेश राय जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि हमारे नव गठित जो जितने भी श्रम कानून हैं उनके बारे में हम सभी उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे। ये आज का हमारा कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।